सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस नेटवर्क की प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इट नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसमें भी इसे कैसे ठीक कर सकते हैं आप देखिए, नो कनेक्शन आर अवेलेबल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे दबाना है और फिर कंट्रोल पैनल में जाना है। उसके बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट दबाना है। फिर आपको इंटरनेट ऑप्शंस में जाना है, इंटरनेट ऑप्शंस में नहीं, नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाना है। फिर आपको यहाँ पे चेंज अडैप्टर सेटिंग्स दिख रहा होगा, ये दबाइए। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, इसके बाद एक और तरीका बताऊंगा। देखिए अब इसे दबा के ना इधर आ जाएंगे तो अपना ये इनेबल कर लीजिए, अगर आपका डिसेबल है इसकी वजह से भी आपका नेट नहीं चल रहा हो। और उसके बाद यहाँ से कट कर लीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नेट अभी भी नहीं चला है, लेकिन अब मैं देखिए। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने एसर लैपटॉप में FN और फिर ये एक बार दबाना है। फिर उससे क्या होएगा उससे अब देखिएगा, मैं फिर से एक बार दबाता हूँ। अभी फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगेगा इसे, ये ऐसे आता रहता है जब तक नहीं चलता। तो आप कंट्रोल FN और उस वाईफाई वाले को दबाते रहिए। अभी थोड़ी देर में चल जाएगा। देखिए आपको ये F3 वाला दबाना है। F3 पे ये वाईफाई सा बना हुआ है। किन्हीं किन्हीं बड़े लैपटॉप्स में ये वाईफाई सा F4, F5, X6, 8, 12 किसी भी बन सकता है। और उनके साइड में लाइट भी होती है, उसमें FN दबाने की जरूरत नहीं। तो अगर लाइट नहीं होती तो FN आप दबा सकते हैं। ये देखिए आ चुका है इसकी रेंजेस, और जब आप इसे दबाएंगे तो देखिए नेटवर्क आ चुके हैं। अब मैं आपको नेटवर्क से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ उससे फिर कनेक्ट करेंगे। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैंने इस पर दबाया है। अब ये मेरा एंड्रॉयड AP है, ये मैंने कनेक्ट हो गया है, पहले से कनेक्ट था, इस वजह से अपने आप कनेक्ट होने लग गया। नीचे आपको कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।